सीएम मनोहर लाल खट्टर भले ही भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का राग अलाप से नहीं थकते हों, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी ही उनकी ईमानदारी छवि को धूमिल करने में पीछे नहीं है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि कार्य में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से तहसील कार्यालयों में शुरू की गई ऑनलाइन प्रक्रिया के बावजूद डीजीपी के नेता व पदाधिकारी अपनी सरकार पर सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं। डीजीपी व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सतीश खोला ने इस संबंध में सीएम को पत्र भेजकर मामले की विजिलेंस जांच करवाने की मांग की है। दरअसल बीजेपी नेता को पिछले कई दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि रेवाड़ी तहसील में रजिस्ट्री के नाम पर खेल चल रहा है। इसे लेकर उन्होंने 9 अगस्त को आरटीआई लगाकर पिछले 5 माह के दौरान तहसील में हुई रजिस्ट्री को लेकर जानकारी मांगी थी, लेकिन आरटीआई में संतोषजनक जवाब न मिलने पर वे अपने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के लिए तहसील कार्यालय पहुंच गए, जहां रिकॉर्ड में उन्हें अनेक प्रकार की खामियां मिली। खोला का आरोप है कि रिकॉर्ड के मुताबिक रजिस्ट्री में भारी अनियमितताएं बरती गई हैं। इनमें ऐसी अनेक वसीकाएं हैं जिनमें एनओसी तक नहीं ली गई। उन्होंने माना कि तहसील में रजिस्ट्री के नाम पर खेल चल रहा है। सरकार को चाहिए कि इस मामले की विजिलेंस जांच कराकर दोषी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। इतना ही नहीं, नगर परिषद के पदाधिकारी भी मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर तहसील व नगर परिषद सुर्खियों में रह रही है। जहां तक एनओसी का सवाल है तो बिना एनओसी के रजिस्ट्री होना नियम अनुसार गलत है, जिससे नगर परिषद को भी मोटे राजस्व की हानि हो रही है। मगर कुछ भी हो, इस मामले पर तहसीलदार साहब कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वहीं जिला उपायुक्त ने भी ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि यह मामला अभी मीडिया के माध्यम से उनके संज्ञान में आया है, अगर कुछ गलत है तो मामले की जांच करवाई जाएगी। काफी सारे लोग कई दिनों से इस बात की शिकायतें लेकर के आ रहे हैं कि रजिस्ट्री कराने के नाम पर वहाँ का स्टाफ पैसे ले रहा है, लेकिन ऐसी कोई पुख्ता चीजें सामने नहीं आई। आरटीआई के माध्यम से मैंने जानकारी मांगने की कोशिश की थी, लेकिन तहसीलदार रेवाड़ी की तरफ से धारा 8J का हवाला देकर के आरटीआई नहीं देने का एक जवाब उनका आया है। मैंने उपायुक्त महोदय को उसकी अपील की, लेकिन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 91 के तहत हम सरकारी फीस जमा करके जितनी भी वसीकाएं रजिस्टर हुई है, क्योंकि वो सार्वजनिक डॉक्यूमेंट है, उनका निरीक्षण कर सकते हैं। तो आज मैं और मेरे साथी सरकारी फीस जमा करा करके 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक की हमने वसीकाओं की निरीक्षण करने का प्रयास किया। काफ़ी सारी चीज़ें उसमें सामने आई है, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट, हालांकि मैं कोई वकील या इसका जानकार नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से वहाँ के स्टाफ से और नायब तहसीलदार से पूछने के बाद ये पता चला कि जो रजिस्ट्रेशन हुई है उनमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट DTP की NOC या नगर परिषद की NOC साथ नहीं है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये उनके बगैर रजिस्ट्री हो सकती है कि नहीं हो सकती है, लेकिन आम आदमी जो शिकायत करता है कि जब तहसील में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप DTP की NOC लेके आओ या नगर परिषद की NOC लेके आओ। तो अगर कुछ लोगों की बिना NOC के रजिस्ट्रियां हुई हैं तो इसमें भ्रष्टाचार का अंदेशा तो लगता है। देखिए, RTI में उन्होंने ये तो कहा है कि 1/4/2017 से 10/8/2017 तक 2268 सेल डीड रजिस्टर्ड हुई है, लेकिन जब हम गुड़गावा जैसे शहर की ऑनलाइन चेक करते हैं तो वहाँ की रजिस्ट्रियाँ ऑनलाइन मिलती हैं। अब यहाँ क्योंकि 2-3 बार कोशिश की, ऑनलाइन चीज़ें हमें नहीं मिली, अपडेट नहीं मिला, तब ही हमने निरीक्षण करने का फैसला लिया। के बाद हमें निरीक्षण करने की अनुमति भी मिली। अच्छा, ये भी देखिए कितना वसूली करते हैं इसकी जानकारी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन कुछ गरीब लोग जो प्लॉट बेचना चाहते थे बेटी की शादी के लिए या बीमारी को लेकर के, किसी ने 1 कनाल 2 कनाल जमीन बेचनी है, उनकी रजिस्ट्री के लिए NOC की शर्तें जो लगी हुई है वो निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से होंगी। और अपना जो खोला साहब ने अनियमितताएं उठाई हैं और वाकई सच्चाई होनी चाहिए उसमें। जब भी देखो नगर परिषद और अपना तहसील का मुद्दा हमेशा भ्रष्टाचार भी उठता रहा है। NOC का है, कमेटी से NOC लेनी चाहिए हर एक को। और उसमें क्या करते हैं, अपने जो लोग कॉलोनियां काटते हैं, जो कॉलोनियां काटते हैं रास्ता छोड़ के सारी उसकी ले लेते हैं, जबकि अगर 1 किले के आप कॉलोनी इधर हो तो पूरे NOC लेने, पूरे 1 किले की लो, आप रास्ता छोड़ दो उसके लिए छोड़ दो। ये चीजें अगर देखी जाए तो बहुत ज्यादा सुना बहुत है, बहुत सुनता है रहते हैं कि भ्रष्टाचार तो है,
बिल्कुल है। अगर अगर नगर परिषद एनओसी नहीं ले रहे, अगर आप ठीक ठाक है, साफ चीज तो आ रही नियमित है, तो एनओसी लो। नगर परिषद मना थोड़ी करते हैं एनओसी देने के, क्या माननी चाहिए और अपना ये चेक करना चाहिए। एनओसी बहुत जरूरी है, एनओसी तो मस्त भी है, बहुत ज्यादा रिस्क रहनी है। अगर आप एनओसी लो हुए, आपने अगर प्लाट में रजिस्ट्री करवाने, अगर डेवलपमेंट चार्ज भर रखा है, तो एनओसी मिल ही जाएगी आपको। ये तो सिर्फ अपना उसके छुपाने के लिए, आप एनओसी ले रहे हो तो आपको डेवलपमेंट चार्ज भरना पड़ेगा। नहीं ले रहे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो अधोजस को नुकसान, अपना बीजेपी, अपना क्या नाम है इसको भी है, अपना नगर परिषद को भी है और सरकार को भी है, तो काम हो जाता सारा। मतलब उस मिलजुल को हम ये माने कि वही पैसे का मिलजुल के वही वासी का नवीसी करवा देते, नगर अपना आप तहसील पे चले जाओ, वासी का नवीस बैठे हैं, पहले की बात है। अब तो मेरे कोई आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की गई थी जिसका जवाब अप्रोप्रिएट नहीं दिया गया है। हालांकि आरटीआई के जो भी मैटर्स होते हैं उसमें अपेलेट अथॉरिटीज पहले से डिफाइंड है, परंतु यदि रजिस्ट्री से संबंधित कोई सूचना है वो डिनाई की गई है, दैट आई विल गेट टू। आज के बयान के बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। हाँ, जो मामला आप बता रहे हैं उसकी जांच कराएंगे, अगर उसमें कोई तथ्य सामने आता है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी।